क्या विराट कोहली आईपीएल 2024 नहीं खेलेंगे? क्या वो पूरा सीजन मिस करेंगे? तो दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने इस पर एक चौंका देने वाला बयान दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, विराट कोहली कुछ पर्सनल रीजन की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए थे। विराट कोहली दूसरी बार पिता बने, जिसके चलते उन्होंने टेस्ट सीरीज से ड्रॉप लिया और वो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के पास गए। तो बीसीसीआई ने कहा कि उनके इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वे लंबे अरसे से टीम के साथ बखूबी निभा रहे हैं और इस बार टीम को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सुनील गावस्कर को उनका यूं सीरीज से ड्रॉप लेना पसंद नहीं आया। सुनील गावस्कर ने कहा कि क्या वो आईपीएल खेलेंगे? कुछ रीजंस की वजह के लिए तो वो खेल नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है कि आईपीएल के लिए भी ना खेलें। ऐसा बयान उन्होंने तब दिया जब उनसे किसी ने पूछा कि कोहली आईपीएल में रन बनाने के लिए भूखे होंगे, क्योंकि वे काफी समय से ब्रेक पर हैं। उनके इस बयान से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद कोहली क्रिकेट से ज्यादा अपनी निजी जीवन पर ही ध्यान देना चाहते हैं और इसीलिए आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। क्या गावस्कर की इस बात पे कुछ सच्चाई होगी या फिर सिर्फ उन्होंने तंज कसा विराट कोहली पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, टेस्ट सीरीज में जीत के बाद रोहित शर्मा ने उन खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी है जो क्रिकेट के लिए सीरीज नहीं दिख रहे हैं। भारतीय कप्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे टीम में किस तरह का टैलेंट चाहते हैं। रोहित ने कहा कि जिन लोगों को भूख है, हम उन्हीं लोगों को मौका देंगे और अगर भूख नहीं है तो उनको खिलाने का कोई भी मतलब नहीं है। रोहित शर्मा के इस बयान को ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में बीसीसीआई ने ये आदेश दिया था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अनदेखा नहीं करना है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी मुकाबले में खेलने के लिए कहा गया था, पर उन्होंने बीसीसीआई की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करी। तो दोस्तों, ऐसे में अगर खिलाड़ी अपनी मनमानी करेंगे तो बीसीसीआई भी मनमानी पे उतर जाएगी। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो। और रोहित शर्मा ने भी यही आदेश दिया है कि अगर आप सीरियस हैं तभी आपको टीम में लिया जाएगा। रोहित शर्मा ने जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई उसमें जो टीम थी उसमें युवा खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे इन सभी खिलाड़ी में वो भूख दिख रही है और ये आगे जाके एक अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।